हे गाइस मैं हुसीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ तो आज मैं आपके लिए पाइन फ्लेवर के केक की रेसिपी लेकर आई हूँ ये केक जितना दिखने में आपको खूबसूरत लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी है और एकदम जैसे बेकरी में सारे केक मिलते हैं उसी तरह का इसका टेस्ट होता है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं आई होप आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी पसंद आएगी अगर रेसिपी वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कमेंट शेयर और दावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर बाउल में सबसे पहले हम लोग प्रीमिक्स ले लेंगे तो आज हम जो मार्केट में रेडीमेड प्रीमिक्स मिलता है उससे ये केक बनाएंगे अगर आपके पास ये प्रीमिक्स नहीं है ना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक रेसिपी दे दी है उसमें जाकर मैदे से कैसे केक बनाना है वो भी सीख सकते हैं तो लगभग मैंने यहाँ पर 380 ग्राम के करीब ये प्रीमिक्स ले लिया है वनीला फ्लेवर का उसमें दो से ढाई चम्मच के करीब ऑयल डालकर हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाकर इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे तो मैदे से भी आप लोग आसानी से इस तरह से केक स्पॉन्ज बना सकते हैं वो भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है लेकिन अगर आप ऑर्डर्स का केक बनाते हैं ऑर्डर्स लेते हैं तो आप लोग इस तरह से प्रीमिक्स से केक ज़रूर बना सकते हैं इसमें मैंने वन टी के करीब पाइन एपल भी डाल दिया है क्योंकि आज का हमारा केक का फ्लेवर है पाइन तो यहाँ पर मैंने आठ इंच का ये जो केक टिन है एल्यूमिनियम का वो लिया है चाहे तो आप सेवन इंचेस के टिन में भी इसे इस तरह से बना सकते हैं तेल से ग्रीसिंग करने के बाद बटर पेपर का टुकड़ा भी इसमें डालकर हम लोग सारा जो केक का बैटर है वो इसमें डाल देंगे अगर आपके पास अल्यूमिनियम केक टिन नहीं है कोई भी मोल्ड नहीं है तो आप लोग कुकर का स्टील का जो डब्बा होता है उसमें भी केक बना सकते हैं तो सारा बैटर मैंने इस तरह से डाल दिया है इवनली इसे स्प्रेड कर देंगे और दो से तीन बार टैप कर लेंगे टैप करने से आपका जो केक है ऊपर से बहुत ज़्यादा फूलता नहीं है एकदम परफेक्ट शेप उसे मिलता है कुकर मैंने 10 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था अब बस सीटी और रबर की रिंग निकाल कर हम लोग इसे 50 टू 55 मिनट्स तक लो फ्लेम पर ही बेक कर लेंगे 1 केजी का केक है तो इसे 50 मिनट या और 5 से 7 मिनट आराम से लग जाते हैं तो देखिए इस पूरे पचास मिनट होने के बाद हमारा केक यहाँ पर बेक होकर तैयार है पाँच या सात मिनट आपको कम या ज़्यादा भी इसे बेक करने के लिए लग सकते हैं केक पूरा ठंडा होने के बाद मैंने इसे डिमोल्ड कर लिया है इस तरह से देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा केक तैयार हुआ है चलिए ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम लोग चाकू की मदद से कट कर लेंगे देखिए इस तरह से और यहाँ पर तीन लेयर्स में मैं इस स्पॉन्ज को कट करने जा रही हूँ आपको जितने भी लेयर्स इसके बनाने हैं तीन या चार आप लोग उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं मैंने तीन लेयर्स में इस स्पॉन्ज को कट कर लिया है अब शुगर सिरप मैंने पहले से ही तैयार करके रखा था शुगर सिरप के लिए आपको बस एक चौथाई कप पानी में तीन से चार चम्मच के करीब चीनी मिलानी है और थोड़ा सा आप लोग पाइनएप्पल इस भी डाल सकते हैं आपका उस तरह का शुगर सिरप तैयार हो जाता है उसे सोव करने से आपका जो केक है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत मेल्टिंग बनता है और यहाँ पर जो क्रीम मैंने फैलाई है वो क्रीम आपको लेनी है दो कप के करीब 240 सौ का कप मैंने लिया था तो दो कप मैंने क्रीम ले ली है उसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लिया है क्रीम आपको इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट करनी है और तभी यूज़ करनी है क्रीम के बाद मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल फ्लेवर का जो क्रश मिलता है वो भी डाल दिया है क्योंकि आज का हमारा केक का फ्लेवर है पाइनएप्पल जिस भी फ्लेवर का केक बना रहे हैं उस तरह का क्रश आप इसके ऊपर डाल सकते हैं अगर आपके केक का डेकोरेशन थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ी सी ज्यादा भी क्रीम लग सकती है दूसरी लेयर भी मैंने क्रीम से और क्रश से इस तरह से स्प्रेड कर दी है और थर्ड लेयर या जो लास्ट लेयर है हमारी वो भी मैंने इसके ऊपर रख दी है उसे भी आपको शुगर सिरप से सो करना है और बस अब पूरा जो केक है उसे हम लोग व्हिप क्रीम से इस तरह से कवर कर देंगे अगर आप बिगनर है गाइस केक को किस तरह से क्रीम से कवर करते हैं या क्रम कोटिंग किस तरह से करते हैं केक की आइसिंग किस तरह से करते हैं उसके सारे डिटेल में वीडियोस मैंने पहले से ही बनाए हैं उसकी रेसिपीज़ या वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोज़ के लिंक मैंने दे दिए है तो आप अगर बिगनर है सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो पर जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं तो यहाँ पर साइड्स में मैंने कोम की डिज़ाइन दे दी है इससे हमारा केक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है ऊपर की जो एक्स्ट्रा की क्रीम आई है उसे भी निकाल लेंगे और बस दस मिनट के लिए हम लोग इसे फ्रिज में रख देंगे और इसके बाद फाइनल डेकोरेशन या जो आइसिंग है वो कर लेंगे तो यहाँ पर बाउल में मैंने थोड़ी सी विप क्रीम ले ली है उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर और एक में मैंने पिंक फूड कलर मिला दिया है ऊपर का जो डेकोरेशन है उसे आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस के अनुसार रख सकते हैं आपको जिस भी तरह की डिजाइन बनानी है जो भी कलर्स केक में डेकोरेशन के लिए यूज करने हैं वो कर सकते हैं क्रीम बहुत ज्यादा मेल्ट ना हो क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का यही प्रॉब्लम है कि केक डेकोरेट करते टाइम हमारी जो क्रीम है कलर मिलाने के बाद मेल्ट होती है तो उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो वो भी वीडियोस आप लोग नीचे जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पर जो क्रीम है पिंक और येलो वाली वो मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में भर दी है और टू डी नंबर का जो नोजल आता है गाइस वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है इससे हम लोग इस तरह से रोजेस या जो रोज़ फ्लास होते हैं गुलाब के फूल होते हैं वो बना सकते हैं बहुत ही आसानी से एक एक पिंक कलर का और दूसरा बीच में हम लोग येलो कलर का ये फ्लावर बनाते जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी हमारी ये डिज़ाइन तैयार होती है इस तरह से आप लोग आराम से केक को डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही आसान है और नीचे बॉर्डर के लिए मैंने यहाँ पर दोनों कलर की क्रीम एक ही पाइपिंग बैग में भर दी है और वही नोजल मैंने यहाँ पर यूज किया है टू नंबर का अगर आपके पास टू नंबर का नोजल नहीं है तो आप वन नंबर का नोजल भी यूज कर सकते हैं दोनों कलर की विप क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में भर दी थी, थी तो इस तरह का शेडिंग का पिंक और येलो दोनों कलर का इफेक्ट इसमें आता है तो वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और फ्रिटी लगता है आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं नीचे बॉर्डर की डिजाइन बहुत ही ज्यादा ये ब्यूटीफुल लगती है तो आप लोग भी इस तरह से शेडिंग का इफेक्ट अपने केक में दे सकते हैं सिर्फ आपको केक डेकोरेशन करते टाइम थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है तो इस तरह से हमारा पाइनएप्पल फ़्लेवर का एक किलो का या वन के का केक बनकर बिल्कुल तैयार है और थोड़ा सा इसे डेकोरेट करने के लिए ऊपर से थोड़े से सिल्वर और गोल्डन शुगर बॉल्स में डाल देती हूँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो आप इसे डाल सकते हैं नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं तो आज की मेरी ये पाइनएप्पल फ्लेवर की केक की रेसिपी आपको पसंद आई है अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे हमेशा की तरह लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और अगर आप दावत चैनल पर नए हैं पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए दावत चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा तो चलिए गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर